से बुलाया? बालवीर आया, मतलब सच में बालवीर होता है? होता तो है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे बाद अगले बालवीर तुम होंगे। मैं बालवीर है ये तो तुम्हें पता चल गया, अब बालवीर क्या कर सकता है ये देखो। सिर्फ यही यकीन नहीं हो रहा था कि बालवीर होता है, अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं भी बालवीर हूँ। ओह माय गॉड, कहीं ट्रेन ने बालवीर को कुचल दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता, वो बालवीर है, वो ट्रेन और प्लेन दोनों को कुचल सकता है। ये ट्रेन मायावी थी? इस तरह का मायाजाल तो पहले भी देखा है मैंने। मतलब ये तिम्नासा की चाल थी। इसे दृश्यम कहते हैं। भैरानी, नन्नी उंगली की कसम, आपके सामने मेरा दिमाग थोड़ा नन्ना है, लेकिन ये दृश्यम क्या होता थोड़ा ये कर दीजिए, समझा दीजिए। दृश्यम नजर का धोखा होता है जबदाली, जो होता ही नहीं वो नजर आता है। बालवीर जैसे ही धरती वासियों को बचाने के लिए आएगा तो वो देखेगा जो है ही नहीं, और ऐसे जाल में फंसेगा जैसे मछली एक कांटे में फंस जाती है। काल्लो के लोगों को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि बालवीर की शक्तियां कम होती जा रही है, वरना मेरे रहते आप बालवीर की चिंता मत कीजिए। आप समझे कि नहीं समझे? मैं जाऊंगा अब धरती लोक पे बालवीर की रक्षा करने। बालवीर के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस आप दोनों मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और साथ में तलवार भी दीजिए। तलवार? वो क्या है ना, मेरी वाली थोड़ी धार करने दी है ना इसके लिए। समझे कि नहीं समझे? टूपा टूपा,
हम जानते हैं कि तुम बालवीर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी अगर बालवीर के पास चले गए ना तो मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बालवीर भी तो तुमसे उतना ही प्यार करता है, और अभी अगर उसके पास चले गए तो उसका पूरा ध्यान तुम्हें बचाने में लग जाएगा, है ना? हाँ, वो तो है। बाल परी, तुम धरती पे बालवीर के पास जाओ। हाँ शौर्य, मुझे भी उनकी चिंता हो रही है, मैं तुरंत ही बालवीर और परियों के पास जाती हूँ। बालवीर कहाँ है? यहीं से तो आवाज आई थी। जब सेल्फी ली तभी कैमरे में थी, अभी फोटो में नहीं है। ये फोटो में कैसे नहीं आए? फ्रेम में तो थे ये। नहीं नहीं, हम भूत नहीं है। जरूर तुम दोनों ने कोई जादू किया होगा। जादू? कहीं ये परियां तो नहीं? क्या किया है बताओ। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। बालवीर नहीं तो परियां ही सही। सबूत है हमारे पास, अभी हमने सेल्फी लिया है सिंगल से, आप लोग यहीं खड़े हुए थे, अभी फोटो में नहीं है, देखिए। ये अगर ऐसे ही जादू जादू करती रही ना तो हमारी पोल तो पक्का खुल जाएगी। अब तो परियों को लेके काल लोग जाऊंगा। अब आपका फोन दिखाइए, हम भी देखते हम कैसे नहीं है। अरे आप भी भूत नहीं निकली, देखिए। अरे नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। तो शायद जादू करनी होगी, तभी तो फोटो में नहीं आए। अरे नहीं नहीं, लगता मेरा कैमरा ही खराब हो गया है। बनवाया था कैमरा मैंने। मतलब ये भी परियां नहीं हैं? कहाँ छुपे हैं ये लोग? बाल बाल बचे। बाल बाल से याद आया, बालवीर को ढूंढना है, चलो। ये क्या था? जरूर उसका कोई एजेंट होगा। या लाल रोशनी, मतलब तिमनासा का कोई प्यादा जरूर है यहाँ, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। बालवीर, तुम्हारी शक्तियाँ कम हो रही हैं, उत्तराधिकारी को ढूंढने के चक्कर में खुद ही ना ढूंढ लिया जाना। भूचालिया, इसकी तो परछाई भी बदसूरत है। ना परियां मिली और ना ही वो बालवीर। और एक बार बालवीर मेरी पकड़ में आ जाए तो दृश्यम गायब, ऐसे कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। दृश्यम के पहले और दृश्यम के बाद के बीच का समय ऐसे गायब होगा कि किसी को कुछ याद ही नहीं रहेगा। सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। इसे कहते हैं दृश्य। मैं यहां क्या कर रहा हूं? बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? संभालो संभालो बालवीर, मुझे कुछ बुरी शक्तियों का आभास हुआ है। यहाँ हो क्या रहा है? पता नहीं माँ, लेकिन मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। जरूर तिमनासा ने कुछ किया होगा। बाकी सब परिया कहाँ है?
अच्छा, ना तो कोई परी मिली और ना मिला बालवीर। महारानी, नन्ही उंगली की कसम, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बिना बालवीर बिना परी का पता लगाए अपने ये घटिया सा मुंह उठा कर लाने की? दृश्यम किसी काम का ही नहीं था। अक्रूर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो ये कह रहा है, ये बेकल कहीं का। शांत हो जाओ जब्दाली। माना कि हमारा दृश्यम काम का नहीं था, लेकिन क्या वाकई दृश्यम काम का नहीं था या तुम किसी काम के नहीं थे? तो बहरानी ने इसे जिंदा किया था, अभी फिर से वो कर देंगे या खत्म? ये फोटो में कैसे नहीं आए? जरूर तुम दोनों ने कोई जादू किया होगा। बाल बाल बचे। आप सब ठीक तो है ना? हमें कुछ गलत होने का आभास हुआ था। बालपरी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, पर तकलीफ तो इस बात की है कि हमें अभी तक हमारा उत्तराधिकारी नहीं मिला। बालवीर, हमें जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। जी माँ। हम सबको भी अलग अलग होकर उसे जल्दी से ढूंढना होगा। अरे तू ये बता, फुटबॉलर्स को कौन सी टाइप की डी पसंद है? पेनल्टी। ये विवान को तक खुश दिखता हूँ ना, मेरे नसों में चीटियाँ दौड़ने लगती है। जी में आता है एक थप्पड़ मार के सारी खुशी निकाल दो इसकी। अरे भैया, आप क्यों अपने हाथ गंदे करोगे? इसकी मम्मी मारेगी ना इसे थप्पड़। क्यों? हम पढ़वाएंगे, एक आइडिया आया है। क्या बता? वाह चिंटी, क्या आइडिया दिया है, अब मजा चखाएंगे इस विवान के बच्चे को। चल। क्या बात कर रहे भैया, शहर में सलमान खान आ चुका है। अरे हाँ चिंटी, गोरेगांव स्टेशन पे शूट चल रही है उसकी। किसी को बताना मत, सिर्फ तू और मैं लेंगे सलमान के साथ सेल्फी। चल 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 चिंटी, सेल्फी लेंगे रे। भैया, जब तक हम घर पहुंचेंगे, स्टेशन जाएंगे, तब तक अगर शूटिंग खत्म हो गई तो अब क्या करें भैया, ये कंडक्टर उतरने भी नहीं देगा ना। दुनिया में ऐसा कोई कंडक्टर पैदा नहीं हुआ जो सलमान भाई से मिलने से रोक सके। हाँ बेटा, मेरा ही है। ओए बेटे।
अरे बाप रे, ये तो भाग रही है। सच दे रही, ये तो नकली है। गोरेगांव स्टेशन आ गया, गोरेगांव वाले उतर जाओ, चलो बच्चे लोग। रेवान की मम्मी को ऐसा भड़काएंगे कि बालवीर भी नहीं उससे बच पाएगा। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो फिर से मर गया। ये बेवकूफ बालवीर और उन परियों को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, मैंने इसके दिमाग में घुसकर सब कुछ पता कर लिया है कि परियां अभी भी धरती पर ही हैं। और अगर परियां धरती पर हैं, तो बालवीर भी धरती पर ही होगा, मगर क्यों? ये कैसा अजीब कपड़ा पहना है? अरे ये कौन जोकर है जो ऐसे घूम रहा है? कैसे जोकर लोगे? अरे कब से भटक रहे हैं यहाँ पर, ना ही बालवीर मिल रहा है ना ही परिया। कितनी बेकार पार्क की नजर है आपकी। ऐसे तो बन गए आप भैराजा, कोई और काम ढूंढ लीजिए अपने लिए। चुप बेवकूफ, काल लोक का भैराजा बनने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। और अब देख, बालवीर को सामने लाने के लिए क्या करता हूँ मैं। बड़ा आया भैराजा। वासियों के जब छोटे छोटे परकच्छे उड़ेंगे तो बालवीर अपने आप सामने आ जाएगा। एक पल ठहरिए, वैसे मेरा शरीर भी छोटे परकच्छों जितना ही है, और छोटा होऊंगा तो मैं खुद को देख नहीं पाऊंगा। अरे राजा अब कीजिए। यहाँ का सलमान की शूटिंग हो रही है। ओ अंकल, आप यहाँ पे शूटिंग करने आए ना? अच्छा ये तो बता दो, भाई किधर है? कौन भाई? अरे आप समझे नहीं, अपने सलमान भाई। अरे कौन सलमान भाई? अरे यार क्या आदमी हो यार आप सलमान भाई को नहीं जानते? अरे कौन से प्लैनेट से आए हो आप? शी लानत है आप पे। बदतमीज बच्चा, सबसे पहले तुझे ही उड़ाऊंगा। जरूर किसी ने पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया है।
अरे नकारा निकम्मा। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, कालोक वाले कहेंगे आपको भैराजा, कुछ कीजिए। लगता है कोई बुरी शक्ति फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बुरी शक्ति वाले कहीं आसपास ही है। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं यहाँ पे? क्या हो गया भैराजा? छोटे छोटे परक छोड़ गए आपकी इज्जत के तो। शमा। ये लो बच्चों, आसमान को छूने वाले गुब्बारे बिल्कुल फ्री। ये लो, ये लो। तुम जहाँ मिलते हो कोई ना कोई नुकसान करा देते हो। अब मैंने क्या नुकसान कर दिया तुम्हारा? मेरे गुब्बारे। कोई बचाओ हमें। बालवीर, तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। तुम जितनी बार अपनी शक्ति इस्तेमाल करोगे उतनी बार तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी। कैसे बचाऊं इसे? सबके सामने अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये बच्चा गया। सलमान भाई कोई आइडिया दो जल्दी। गुब्बारों में इतने छेद कर दूंगा कि इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हवा रोकनी कहाँ से और छोड़नी कहाँ से है। बस एक फुग्गा बोलना है फिर लड़का आराम से लैंड कर जाएगा। ओह, ये तो दोनों फुग्गे फूट गए। थैंक यू।
कोशिश अच्छी थी लेकिन अंजाम बुरा हो सकता था। कोशिश मैंने कर ली ना पार्टनर, और अंजाम तुमने संभाल लिया, तो इसी बात पे हाथ मिलाओ। तुम? अरे सलमान खान को नहीं जानते? कौन से प्लैनेट से आए हो भाई? अरे ये सलमान खान है, मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। खैर अभी चलो। अरे कहाँ? अरे मेरे घर पे। और कहाँ, इतने फुग्गे फोड़ दिए तुम्हारे, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ओह कितने शरीफ बच्चे हो तुम, तुम्हारे साथ रहूंगा तो पता नहीं क्या क्या फोड़ोगे। नहीं चाहिए भाई तुम्हारे पैसे, माफ करो। अरे एक्सक्यूज मी, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी जल्द। लेकिन अरे चलो। सिनेमा देखते कि पृथ्वी के बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। कश नया बालवीर इसके जैसा जिद्दी और फिल्मी ना हो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं शर्मा जी सुनिए, आपके कल की पार्टी के लिए 11 टिफिन का ऑर्डर है ना, तो राउंड फिगर में 12 कर दूं क्या? समझ गए ना भैया, कैसे और क्या कहना है। हाँ चिंटी, अब तो देखते जा, विवान की मम्मी को विवान क्लब ऐसा भड़काएंगे कि उसके घर में अगली सब्जी विवान की पकेगी। चल करुणा जी, मैं बड़ा हूँ आपसे। अरे आपसे नहीं कह रही, बोली नहीं सुनिए, मैं ला रही हूँ आपके टिफिन। 4 टिफिन है ना आपके? अरे 4 नहीं 5 थे करुणा जी। क्या? ठीक है ठीक है, मैं घर जाके एक डिब्बा और लेकर आती हूँ। ठीक है यार। क्या आपसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही? अरे अरे बोली नहीं सुनिए, वो क्या हुआ ना कि जल्दी जल्दी मैं बना के जल्दी जल्दी मैं बांध के जल्दी जल्दी निकली ना, मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, आप 5 लो, 4 टिफिन में खा लीजिएगा ना, उससे क्या है प्यार बढ़ता है। करुणा आंटी, क्या आंटी जी कितनी मेहनत करती है आप, हर सुबह टिफिन बांटने में, कितना मानते हैं सब लोग आपको। थैंक यू बेटा। बस एक विवान ही है जो आपको कुछ नहीं मानता। क्यों, क्या किया विवान ने? अब क्या बता आंटी जी, हमारे इतने रोकने के बाद भी वन बस से उतर कर मार्केट भाग गया मस्ती करने। क्या बदतमीज, जबकि मैंने इतनी बार कहा है स्कूल से पहले घर आना है, होमवर्क करना है, उसके बाद कहीं जाना है। हमने भी कहा था आंटी कि कोई भी मार्केट माँ से बड़ा नहीं होता। बोलूं? लेकिन उसने कहा मैं जो एक बार मस्ती कमिटमेंट कर लूं, फिर तो मैं अपनी माँ की भी नहीं सुनता। क्या ऐसा कहा विवान ने? हाँ आंटी ऐसा बोला। चलो घर। पर क्यों? वो तो मार्केट में है ना। हाँ लेकिन डंडा तो घर पे है ना, उसी डंडे से पिटाई करके लाऊंगी ना उसे घर वापस। हाँ 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 बोली नहीं सुनिए, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप पिटाई खा लीजिए। क्या? अब मेरा मतलब मैं नहीं आ रही हूँ, मैं पिटाई खाने जा, मेरा मतलब मैं मेरे बेटे की पिटाई करने जा रही हूँ, मैं नहीं ला रही हूँ आपके टिफिन, टिफिन कैंसिल। चलो चलो। पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियां काम नहीं करती जबदाली। ऐसा भैरानी क्यों? बालवीर की वजह से। एक दिन वो मेरा खाना बनेगा। जरूर बनेगा अक्रूर, क्योंकि एक दिन उसे ही मैं तुम्हारे सामने परोसूंगी अपने हाथों से। पृथ्वी हमारी नजरों से बची है क्योंकि बालवीर ने उसके ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ा रखा है।
और एक दिन वो सुरक्षा कवच मैं तोड़ूंगी अपनी काली शक्तियों से। नन्ही उंगली की कसम, हैरानी कितना भरा है आप में ज्ञान। लेकिन भैरानी, जो पूरे काललोक में कोई नहीं जानता उसके बारे में भी आपको कैसे पता? सवाल अच्छा है तुम्हारा, पर समय गलत है। तो मेरी सर्वे सर्वा आप ही बता दीजिए, इस समय आपसे कौन सा सवाल करूं? यही कि क्या होगा अगर भयमार को बालवीर मिल गया तो, क्या होगा जब बालवीर भयमार के सामने आएगा? बहुत मजा आएगा। जादू नहीं चलता तो ना चले, मोहताज नहीं हूं मैं जादू का, मेरी शक्ति मेरी उंगली में है। और जब ये उंगली टेढ़ी होगी ना तो प्रलय आएगी। और अब समय आ गया है तौबा तौबा ये उंगली टेढ़ी करने का। उंगली टेढ़ी? टेंशन मत लो, मेरी मम्मी ने मेरी हर शरारत के लिए अलग अलग बजट बना के रखे हैं। जैसे बोल से कांच फोड़ने का बजट, टीवी फोड़ने का बजट और चोट वोट लगने का बजट। फुग्गे मैंने पहली बार फोड़ा है, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, माफ करो। बालवीर, बालवीर हमें धरती पर बुरी शक्तियों का आभास हुआ है, जल्दी चलो यहाँ से। क्या? लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं छोड़ रहा है ना। ओ हेलो, हवा में किसे शिकायत कर रहा है? मेरी मक्खी से? मक्खी? इसने मुझे मक्खी बोला? तू क्या इसे मलेरिया? नहीं, शांत रहो। अरे वापस मक्खी से बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हें फुक्की खूनी का बहुत बड़ा सदमा लगा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाता हूँ, चलो। बाल परी ने फौरन बुलाया है, पर ये लड़का ऐसे जाने नहीं देगा, मैं इसे गायब कर देती हूँ। नहीं बालवीर, तुम चिंता मत करो, मैं इसे गायब करके उसके घर पहुंचा दूंगी और इसे ये याद भी नहीं रहेगा। अरे लेकिन वो, अरे आंटी आपके पास में तो एक्सीडेंट नहीं है क्या? हम भी अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। अरे बोलो मत, सुनो, बच्चे की पिटाई करने का हक सिर्फ उसकी माँ को होता है। कोई बात नहीं चिंटू, विवान को पिटते हुए देखकर मौज कर लेंगे। लाश तो छोड़ूंगी नहीं उसे। अंग्रेजी शासकों को हार का सामना करना पड़ा। बेटा तू कब आया? मम्मी जैसे स्कूल खत्म हुआ बस से सीधा घर पे आ गए, बस पढ़ने बैठ गया। पता नहीं आज पढ़ने का बहुत दिल कर रहा है। आंटी झूठ बोल रही है, दिस इज चीटिंग। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाओ नहीं तो आंटी डंडे मारेगी। चिंटू, चिंटी। अरे यार, विवान को डंडे पड़वाने के चक्कर में खुद को डंडे खाने पड़ेंगे, हमेशा उल्टा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम लोग मानोगे नहीं हा? कितनी बार हमने तुम्हें समझाया है कि स्कूल बस से सीधा घर आना है, चलो घर। बताते हैं तुम्हें, दर्द हो रहा है। चलो अभी हम बताते हैं, चलो चलो घर चलो। आ डंडा। अरे छोड़ेंगे नहीं, रुको। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम आप तो बिना पूछे घुस जाती है दिमाग में। कसम से एक बार मेरा दिमाग पढ़कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका ये जब्दाली आपका कितना बड़ा है भक्त। अब भैरानी आगे क्या करने वाली बताइए ना। भैरानी जब जब आप ऐसे चुप रहती है ना, तब तब आपके दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है, बहुत खतरनाक खुराफात।
मेरे कान सुनने के इच्छुक हो रहे, बताइए ना। बता दूंगी तो देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा जब ताली। ये भी सही है, देखने का मजा तो अलग होगा। वैसे भैरानी, आपको थोड़ी बहुत ये नहीं है चिंता, क्योंकि वो बेवकूफ भैमार और तौबा तौबा वो भी तो वही है नीचे, कहीं आपसे पहले उन्होंने बालवीर को पकड़ लिया तो। मूर्खों की चिंता करना तिमनासा को शोभा नहीं देता। अब दृश्यम होगा। ओ होने वाले बहराजा, बिना जादू के बिना धारी जैसी तलवार लिए कैसे लड़ोगे बालवीर से? ये तुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, ये मुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, लेकिन ये बालवीर को तो नहीं पता ना। जब लोग धरती पे मुसीबत में होते हैं तो बालवीर को आना ही होता है। मालपरी, बालवीर, बचाओ! लोग मुसीबत में हैं माँ, मुझे जाना होगा। रुको बालवीर, रुको, ये जरूर कोई बुरी शक्ति की चाल हो सकती है। अब आएगा बालवीर। कोई भ्रम हो सकता है, और बालवीर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी तो और कमजोर हो जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। लोग मुसीबत में, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बालवीर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति अगर कम हो गई तो फिर बालवीर, आजा, आना तो तुझे पड़ेगा बालवीर। माँ, आपने ही सिखाया है बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना, और वो बालवीर ही क्या जो सही के लिए अपनी जान देने से पीछे हट जाए। लोग दिल से बुलाएंगे तो बालवीर जरूर जाएगा। Ha ha ha!
तस्वीर बनाने आए हो क्या इसकी? ऐसा मैं नहीं, कानू पाले बोलेंगे मरोड़ दो ना इसकी करतान। बालवीर, आज तू और तेरी अच्छाई गिरी खत्म। ये भी दृश्यम है। अरे सात लोगों ने मिलके कुत्ते की तरह धो डाला बिना जादू वाले राजा जी को। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, कानून वाले बोलेंगे आपकी लाश को। भागे यहाँ से। बालवीर, मैं इस बार हार जरूर गया हूँ, लेकिन याद रखना, हारा हुआ जुआरी दुगना जुआ खेलता है। मेरा अगला वार दुगना खतरनाक होगा। अब दृश्यम खत्म करना होगा। मेरे रहते तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तू परियों की वजह से बच गया बालवीर। अब तू देखेगा मेरा वार। नहीं बालवीर, इस दृश्यम के जवाब में तुमने जो दृश्यम किया है उससे तुम और कमजोर हो गए हो। लेकिन बाबू। नहीं बालवीर नहीं, तुम्हारी जान का खतरा हम नहीं ले सकते। अरे मेरे हाथ तो चमकने लगे। अंधेरा होने के बाद तो हम पूरी तरह चमकने लगेंगे। हाँ, फिर हम अपनी असलियत कैसे छुपाएंगे? हम सबको थोड़ी ना ये बता सकते हैं कि हम चमकने वाली लड़कियाँ हैं। अच्छा, पर ये रात होने पे चमकती हैं। परियो, हमें जल्द से जल्द वीर लोग जाना होगा। Ha ha ha!
भैरानी, अरे आप वहां होती तो आपको भी देखकर मजा आ जाता। बालवीर को पकड़ने के लिए ये महाशय ऐसे ऐसे अनाप शनाप हाथ हिला रहे थे, फिर भी कुछ नहीं आया पकड़ में। तीन चार मक्खियां तो हंसते हुए चली गई इन पे। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं बाहर। बालवीर को पकड़ना तो छोड़ो भैमार, तुम तो अपना दृश्यम तक उन्हें दिखा कर आ गए। वार तो छोड़ो, तुमने तो अपना हथियार भी उन्हें दिखा दिया। राजा का काम है दुश्मनों का सामना करना, ना कि अपने महल में बैठ के काले बिल्ले से गप्पे मारना। जबान संभाल भैमार। मैंने कोशिश तो की, तुमने क्या किया? कल का सूरज डूबने से पहले बालवीर का सर काट के मैं लाऊंगा इस महल में और इस तख्त पर बैठूंगा जो मेरा हक है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.